खबर चंपावत से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का चंपावत दौरा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने चंपावत दौरे के तहत आज शुक्रवार को चंपावत के गोरल चौड़ मैदान में स्थित गोलू देवता मंदिर के दर्शन करते के उपरांत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी गोरल चौड़ स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय आगमन पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और क्षेत्र के काश्तकारों के साथ बैठक की। जिले में किए जा रहे कार्यों के बारे में काश्तकारों और अन्य सभी से जानकारी ली। इस अवसर पर काश्तकारों द्वारा उद्यान मंत्री को जनपद में औद्यानिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जाने और जंगली जानवरों के द्वारा उनकी फसल को नुकसान पहुँचाने से बचाने की मांग करी गई। काश्तकारों को संबोधित करते हुए मंत्री जी गणेश जोशी में जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किए जाने की बात कही। मंत्री जोशी ने मौके पर उपस्थित निदेशक उद्यान को निर्देश दिया कि जनपद पंचम्पावत में संतरा, माल्टा और नींबू प्रजाति के पौधे को विकसित करने हेतु पंत नगर के वैज्ञानिकों की सहायता से यहाँ शोध कार्य कराए जाने के साथ ही फल पौधों को विकसित किया जाए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा, जनपद चंपावत को एक मॉडल जिला बनाया जा रहा, जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने पर भी कार्य किया जाएगा। क्षेत्र में सेब, कीवी, लीची, अखरोट के साथ ही संतरा, माल्टा की खेती के उद्यानों को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित करेंगे। कि हमारा जो माल्टा कभी बहुत ज्यादा यहाँ पर हुआ करता था, क्यों समाप्त हो रहा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल के अंदर आपको कुछ परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि आज जो हाइब्रिड एप्पल हम लगा रहे हैं, पहले जो सेब था वो 3-4 साल बाद फल देता था, आज 12-14 महीने में फल दे रहा है। कीवी जो बहुत महंगा बिकता था वो 3 साल में फल दे रही है। जो हाइब्रिड अखरोट है वो भी 3 साल में फल दे रहा है। हम लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।